अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिफ़ज़ान, वेलकम टू माय क्रिकेट एरिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में ताज़ा तीन अपडेट्स आप लोगों के लिए लिया हूं। उमर अकमल के रिकॉर्डिंग, उमर अकमल के साथ क्या मामला पेश आया और उमर अकमल को किसी साजिश के थ्रू फंसाया गया या फिर इन्होंने फिक्सिंग किया, इसके बारे में आज मैं बताऊँगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल उमर अकमल को बैन किया गया था, सॉरी पोस्टपोन किया गया था जब PSL की ओपनिंग सेरेमनी थी, तो तब उमर अकमल को कराची से लाहौर भेज दिया गया था एंड इनको खेलने से रोक दिया गया था। तो इसके पीछे PCB ने काफ़ी मतलब शोर मचाया था कि इनके पास बड़े ठोस सबूत हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, सब है जिसमें उमर अकमल की फिक्सिंग साबित हो सकती है। लेकिन उमर अकमल को मतलब PSL से तो रोक दिया, लेकिन कुछ सबूत ढूंढने में PCB नाकाम रहा। इसलिए अब उमर अकमल का कहना है कि मुझे किसी साजिश के ज़रिए फंसाया जा रहा है एंड PCB को जो सबूत मिला वो किसी एक तहकीकती इदारे के खत के अलावा कोई ठोस सबूत PCB के पास मौजूद नहीं है। एंड उमर अकमल ने अपनी गलती ये तस्लीम की है कि वो मतलब मशकूक बंदों से मिलते रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कोई फिक्सिंग वगैरह नहीं की। ये इनकी कोई आई थिंक सो उनका कहना है कि जाती बुनियाद की बेस पे वो मिलते रहे हैं। तो उमर अकमल का कहना है कि मैं फिक्सिंग कभी नहीं कर सकता, ऐसी मैंने फिक्सिंग नहीं की, लेकिन जस्ट मेरी ये गलती थी कि मैंने PCB को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया। तो उमर अकमल ने चार्जशीट को मतलब उसके अगेंस्ट जाने का फैसला नहीं किया है एंड उमर अकमल को मिनिमम 6 मंथ्स की पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। एंड ये अपडेट्स हैं, उसके बाद उमर अकमल अपने क्रिकेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उमर अकमल PCB के अगेंस्ट जाते, इसको मतलब चैलेंज करते हैं, तो उमर अकमल को लाइफ टाइम बैन के साथ साथ क्रिकेट छोड़नी पड़ सकती थी। तो दोस्तों अब उमर अकमल का यही कहना है, उनका ये मौक़ है कि उनके साथ कोई साजिश की जा रही है। उमर अकमल पास में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्जीज में रहे हैं, लेकिन ऐसी कॉन्ट्रोवर्जी जो कि जिसमें उनके कैरियर को मतलब दागदार बनाने का कहा जा रहा था कि उमर अकमल ने ऐसा काम किया है, वो अब क्लियर हो चुका है कि उमर अकमल ने मुल्क का नाम तो नहीं बदनाम किया। अब इन जो उनका कहना है अकॉर्डिंग टू हिम के वो ज़ाती मुफादात की बेस पे उनसे मिलते रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।